वो कई आपराधिक घटना, जैसे जो मोहम्मद राजा है, इनका अभी तक कुल पांच, इस केस को लेकर पांच कांडों में जो है संलिप्तता की बात प्रकाश में आई है, जिसमें जो तीन केस हैं, चार केस जो है इस घटना के अलावा, चारों केस हत्या के केस हैं। जो सैयद शहनवाज है उनका भी जो है इस कांड के अलावा दो अन्य कांडों में भी संलिप्तता की बात प्रकाश में है, जिसमें एक हत्या का मामला है, SS8 का मामला है और राम साइड का मामला है। जो मोहम्मद इमरान है उनके विरुद्ध भी हत्या और डकैती जैसे पांच कांड संलिप्त हैं। और जो दूसरे लोगों का नाम आया इसमें, एक जो अन्य इस उनके गांव के रहने महत्वपूर्ण वाले है थे, जो हजारा जिलानी और छोटू, उनके विषय में पटना के जानकारी है कि उनके नाम रहने कई वाले प्राथमिकी में छोटू के रूप में अंकित है, लेकिन अभी तक उनकी पहचान नहीं हो पाई थी। लेकिन गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा बताया गया है कि जो छोटू नाम से दो तीन केसेज में नाम है वो अजय जिलानी। ये जितने लोग हैं ये सारे लोग सुपारी डीलर ही हैं, इन लोगों ने पैसा लेके कॉन्ट्रैक्ट। ये जो बताया जा रहा है इन लोगों का, इनके द्वारा ये बताया गया है कि जो मुख्य संपर्क सूत्र था इनका, वो जो मोहम्मद इमरान उर्फ लल्लू है उन्हीं ने जो है मुख्य रूप से सुपारी ली थी, और उनके द्वारा फर्दर इन लोगों के बीच पैसा बांटा गया था। इसमें जो राजा है उनको 50,000 रुपये देने की बात उसने स्वीकार की है। जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य मिले हैं और जो इन लोगों द्वारा बताया गया है उसके आधार पे जो प्राथमिकी में नामजद लोग हैं, कप्तू राय और भट्टू राय गोरख राय, उनकी संलिप्तता भी इस घटना में प्रकाश में आई है। इसके अलावा एक अन्य व्यक्ति की भी, जो उस क्षेत्र के महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, उनकी भी घटना में जो है संलिप्तता की बात आई है। जानकारी है कि 31 जुलाई को नीलेश कुमार उर्फ नीलेश मुखिया को पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र अंतर्गत गोली मारी गई थी। उस संबंध में पाटलिपुत्र में एक केस अंकित था। उसी के कांड के उद्भेदन के लिए CTSP मध्य और SDPO लॉ एंड ऑर्डर के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था, जिसमें SHO पाटलिपुत्र, SHO बुद्धा कॉलोनी और SHO कोतवाली, इसके अलावा जो है टेक्निकल सेल के लोग लगे हुए थे। उसी कांड का जो है सफलतापूर्वक उद्भेदन किया गया और दो अपराध कर्मियों को, सैयद शाहनवाज और मोहम्मद राजा, इनको गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के क्रम में उनके द्वारा पूरी घटना में 6 अपराध कर्मियों की संलिप्तता अभी तक बताई गई है, जिसमें जो मोहम्मद राजा है इनके द्वारा बताया गया है कि ये जो लाल रंग की अपाचे गाड़ी थी जिस पर पीछे जो शूटर बैठा था जिसके द्वारा गोली चलाई गई थी वो मोहम्मद राजा थे। इसके अलावा जो दूसरी मोटरसाइकिल पे लोग बैठे थे वो मोहम्मद इमरान और उसके भाई क्योस थे। इमरान जो है गाड़ी चला रहे थे और क्योस खान जो है उसके पीछे बैठे हुए थे, और इनकी राजा की गाड़ी जो है मोहम्मद दरबार चला रहे थे। इसके अलावा दो अन्य सैयद शाहनवाज और अजहर जिलानी और छोटू जो है इनकी संलिप्तता भी पूरे आपराधिक षड्यंत्र के पास में आई है। पूरे आपराधिक घटना में ये लोग भी सम्मिलित थे, हथियार इकट्ठा करने में और वाहन इकट्ठा करने में। इनकी गिरफ्तारी के बाद इनकी निशानदेही पर घटना में जो दोनों मोटरसाइकिल इस्तेमाल हुई थी वो दोनों मोटरसाइकिल भी रिकवर कर ली गई हैं, और दो हथियार जो है अभी तक रिकवर किए जा चुके हैं। और उसके अलावा जो है जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य मिले हैं और जो इन लोगों द्वारा बताया गया है उसके आधार पे जो प्राथमिकी में नामजद लोग हैं, कप्तू राय और भट्टू राय गोरख राय, उनकी संलिप्तता भी इस घटना में प्रकाश में आई है। इसके अलावा एक अन्य व्यक्ति की भी, जो उस क्षेत्र के महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, उनकी भी घटना में जो है संलिप्तता की बात आई है। इस संबंध में इन सभी लोगों पर हम लोग आगे अनुसंधान कर रहे हैं, और जैसे भी आगे कोई हम लोग को अनुसंधान में करने सफलता मिलेगी आप लोग सर से किए जाएंगे। तो प्राथमिकी में तीन लोगों का नाम था, तीनों भाई थे, तीनों का नाम अभी जो जो इन लोगों से पूछताछ के क्रम में जो बात आई है, उसके अलावा जो परिस्थिति जानने साक्ष्य मिले हैं उससे उन लोगों की संलिप्तता जो है प्रकाश में घटना का क्या सर विवाद क्या था, विवाद क्या था सर? नहीं देखिए, घटना का कारण जो है इनके द्वारा जो पकड़े गए हैं दोनों शूटर थे, इनके द्वारा घटना के कारण के विषय में नहीं बताया गया है। किनके कहने पर लोग गोली, दो लोग आपराधिक षड्यंत्र में शामिल थे उनके विषय में बताया गया है, और कुछ और साक्ष्य भी उन लोगों को मिले हैं। पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश कर पाएगा जब उन लोगों ने जो मुख्य षड्यंत्र करता है उनकी गिरफ्तारी। सुपारी कितने की दी सुपारी जो अभी तक बताया गया है इसमें 50,000 रुपये जो राजा ने इनको मिला था इस मामले में। इसके अलावा जो इमरान है उनको सारा पैसा दिया गया था, एग्जैक्ट कितना अमाउंट दिया गया था ये नहीं बता पा रहे हैं, वो आगे अनुसंधान। कितने दिनों से रेकी कर रहे थे? जो हम लोग को जानकारी मिली लगभग 1.5 महीने से ये लोग जो है उनकी रेकी कर रहे थे। 1.5 महीने पहले से ये सभी लोग जो है दो अलग अलग जगहों पर इकट्ठा हो गए थे, रेकी कर रहे थे। रेकी करने में भी कुछ लोग इनका सहयोग कर रहे थे, उनकी भी पहचान कर ली गई, उनकी गिरफ्तारी भी। इनकी गिरफ्तारी कहाँ से हुई है सर? इसमें जो एक व्यक्ति है इनकी गिरफ्तारी मोहम्मद राजा है, उनके NTC गार्ड से जो सैयद शहनवाज है इनको हम लोग जो है सूचना के आधार पर मुंगेर से गए थे पकड़ लाने के लिए, लेकिन भागने के क्रम में उनको चोट लग गई थी, तो उनकी गिरफ्तारी जो है उनको इलाज कराने के बाद
नीलेश मुखिया की कैसी हालत है अभी? अभी तो जो बताया जा रहा है उनके परिवार के सदस्यों द्वारा गंभीर स्थिति में, लेकिन डॉक्टरों द्वारा इलाज किया गया। घटना के बाद जिसकी घटना के बाद ये लोग कहीं कहीं अलग अलग जगह चले गए थे, अन्य अपराधकर्मी के साथ अलग अलग जगह चले गए थे, बाद में सूचना संकलन करके इन लोगों के जो लोग पकड़े गए और उनकी संलिप्तता प्रकाश में आई, इसमें कई लोगों कई आपराधिक घटना, जैसे जो मोहम्मद राजा है इनका अभी तक कुल पांच, इस केस को लेकर पांच कांडों में जो है संलिप्तता की बात प्रकाश में आई है, जिसमें जो तीन केस हैं, चार केस जो है इस घटना के अलावा, चारों केस हत्या के केस हैं। जो सैयद शहनवाज है उनका भी जो है इस कांड के अलावा दो अन्य कांडों में भी संलिप्तता की बात प्रकाश में है, जिसमें एक हत्या का मामला है, SC/ST का मामला है और राम साहिब का मामला है। जो मोहम्मद इमरान है उनके विरुद्ध भी हत्या और डकैती जैसे पांच कांड संलिप्त हैं, और जो दूसरे लोगों का नाम आया इसमें एक जो अन्य महत्वपूर्ण हजारा जिलानी छोटू है, उनके विषय में जानकारी है कि उनके नाम कई प्राथमिकी में छोटू के रूप में अंकित है, लेकिन अभी तक उनकी पहचान नहीं हो पाई थी, लेकिन गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा बताया गया है कि जो छोटू नाम से दो तीन केसेज में नाम है वो हजारा जिलानी नामजद जो आरोपी है सर उनकी गिरफ्तारी सर। इसके पहले भी कदमकुआं थाना क्षेत्र से सात शूटर पकड़े गए थे, क्या इनका संबंध उसी से है? नहीं, अभी ऐसा कोई बात प्रकाश में नहीं है जिसके आधार पर नहीं, अभी जितना जानकारी है वो हम आपको बता रहे हैं। नीलेश ने सुपारी किसको दी? अरे नीलेश की बता, इसका जवाब दे दिए किसको दी? ये जो बताया जा रहा है लोगों का, इनके द्वारा ये बताया गया कि जो मुख्य संपर्क सूत्र था इनका वो जो मोहम्मद इमरान उर्फ लल्लू है उन्हीं ने जो है मुख्य रूप से सुपारी ली थी, और उनके द्वारा फर्दर इन लोगों के बीच पैसा बांटा गया था। इसमें जो राजा है उनको 50,000 रुपये देने की बात उसने स्वीकार की। रिपब्लिकन न्यूज के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।